हेलो एवरीवन, आई एम दिलीप कुमार, लेक्चरर इन बॉटनी एट गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज शहदादपुर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज फाइलेटिक लीनिएज. ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का है, फाइलेटिक लीनिएज. जो लव्ज फाइलेटिक है, फाइलेटिक हम स्पीशीज को कहेंगे और लीनिएज एक लिंकेज है. इसका मतलब कि स्पेशीज की लिंकेज अगर हम पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे फाइलेटिक लीनिएज. फाइलेटिक लीनिएज को कॉमन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज भी कहते हैं. अब देखें कि इसमें इसकी डेफिनेशन जो आपके बुक में लिखी हुई है कि फाइलेटिक लीनिएज एक अनब्रोकन सीरीज है जिसमें के जो डेसेंडेंट हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं किससे, एंसेस्टर्स से, जो अबाउ जात हैं. और डेसेडेंट्स मीन्स के औलाद. अब देखें कि एक ये सीरीज़ है जो फिश है, फिश में से एवोल्यूशन हुई है. हमने पहले पढ़ा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कि जो एवोल्यूशन हुई है वो स्लोली और ग्रेजुअली जो चेंजिंग हुई है उसमें से ही जो सारे जानदार हैं वो इवोल्व हुए हैं. फिशेज में से एवोल्यूशन हुई एम्फीबियन की, एम्फीबियन में से एवोल्यूशन हुई रिप्टाइल्स की, रिप्टाइल में से एवोल्यूशन हुई बर्ड्स की. तो एक ये अनब्रोकन सीरीज है कि जिसमें एक स्पीशीज़ इवोल्व हुई है दूसरी स्पीशीज़ में से. ये एक डिसेंडिंग आर्डर में है कि एक नीचे की तरफ आर्डर में है कि जहाँ से फिशेज टू बर्ड्स की बात हो रही है. एक पूरी सीरीज़ है, ये एक अनब्रोकन सीरीज़ है. तो इसको हम कहेंगे फाइलेटिक लीनिएज या कॉमन ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज. अब देखें कि आपके बुक के मुताबिक इट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज. इट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स. प्रोग्रेसिंग फ्रॉम एंसेस्टर्स टू वर्ड्स द डिसेंडेंट्स. ये देखें यहाँ से एंसेस्टर्स एंड टू वर्ड्स द डिसेंडेंट्स. मीन डिसेंडेंट्स मीन नीचे जाना, या उसको औलाद कहेंगे. एंसेस्टर्स मीन्स अबाउ जात. With each group evolving from one immediately preceding it means के वक्त से पहले आना. ठीक है, तो एक ग्रुप दूसरे में से इवोल्व हो रहा है. तो दिस अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड फाइलेटिक लीनिएज. थैंक यू सो मच.